राधे राधे दोस्तों हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है आज हम आपको ये छः महीने से एक साल के बच्चे के लिए सूज बनाना बताएंगे ये बनाने में बहुत ही आसान है इन्हें बिगनर्स भी बना सकते हैं इसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताएंगे देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं सूज बनाने के लिए हमने इसमें दो रंग की ऊन ली है और दस नंबर सलाई ली है सबसे पहले क्रीम कलर की ऊन से हम इसमें पैंतीस फंदे डालेंगे इसमें फंदे ऐसे दो सिलाई में मिलाकर डालेंगे क्योंकि फंदे हमें लूज डालने हैं जिससे कि ये जो बॉटम है यहाँ पर जब हम सिलें तो ये एकदम टाइट ना हो ये थोड़ा सॉफ्ट रहे इसलिए हम दो सलाई में मिल फंदे डालेंगे फिर बाद में एक सलाई हटा देंगे ऐसे इसमें हमें थर्टी फाइव फंदे डालने हैं इसमें हमने पैंतीस फंदे डाल लिए हैं अब ये ये सलाई हम यहाँ से निकाल देंगे ऐसे अब ये देखो फंदे लूज भी हैं और एक सीध में भी हैं अब हम पहली और दूसरी सलाई इसमें उल्टी बुनेंगे ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इसमें हमने पहली सिलाई उल्टी डाल ली है अब दूसरी सिलाई भी हम इसमें उल्टी डालेंगे इसमें हमेशा पहला फंदा उतारना है दूसरी सिलाई भी हम ऐसे ही पूरी कंप्लीट करेंगे इसमें हमने ये दूसरी सिलाई भी पूरी उल्टी बुन ली है अब तीसरी सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे पहला फंदा उतारेंगे दूसरा फंदा ऐसे हम उल्टा बुनेंगे इसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे हम यहाँ से ऐसे फंदा उठाएंगे इसमें और ये से ऐसे बुन लेंगे ये हमने फंदा बढ़ा लिया है अगर आप किसी और मेथड से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं अब हम पंद्रह फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह अब यहाँ हम फिर फंदा बढ़ाएंगे यहाँ ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे हम बुन लेंगे एक फंदा बढ़ गया है ये एक फंदा बढ़ गया है अब हम एक फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे करके ऐसे फिर पंद्रह फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह फंद पंद्रह फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं लास्ट के दो फंदे बचे हैं जैसे यहाँ शुरू में दो फंदे थे वैसे ही लास्ट के बचे हैं यहाँ हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे करके ऐसे और इन दोनों फंदों को हम ऐसे उल्टा बुन देंगे उल्टी सलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है इधर से हमें फंदा नहीं बढ़ाना है चौथी लाइन हमने इसमें पूरी उल्टी बुन ली है अब पांचवी सलाई में हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे तो पहला फंदा उतारेंगे दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और ये तीसरा फंदा भी हम ऐसे उल्टा बुनेंगे इसके बाद हम ये फंदा बढ़ाएंगे यहाँ से ऐसे ऐसे करके फंदा उठाया और इस फंदे को हमने ऐसे बुन दिया अब हम फिर से पंद्रह फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह पंद्रह फंदे हमने उल्टे बुने अब यहाँ हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे करके ऐसे एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया है अब हम इसमें तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और एक ये तीन अब हम फिर से इसमें एक फंदा बढ़ाएंगे इधर से ऐसे फंदा इस पर उठाया और ऐसे हमने ऐसे बुन दिया अब हम पंद्रह फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये किए पंद्रह अब यहाँ से हम फिर से एक फंदा उठाएंगे ऐसे और इसे ऐसे हम उल्टा बुन देंगे और ये तीन फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे अब इसमें उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे ऐसे हम ऐसे कंप्लीट करेंगे मैं अभी फोर्टी थ्री फंदे हो गए हैं अब हम फिर से वैसे ही करेंगे पहला फंदा उतारेंगे और तीन फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे एक पहले हमने एक फंदा उल्टा बुना था फिर दो अब हम तीन उल्टे बुनेंगे एक दो और एक ये तीन इसके बाद हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे फंदा हम वैसे ही बढ़ाएंगे यहाँ से इसको उठाया और इसे हमने उल्टा बुन दिया अब फिर से हम पंद्रह फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह पंद्रह फंदे हमने इसमें उल्टे बुन दिए हैं अब हम फिर से यहाँ से एक फंदा उठाएँगे ऐसे और इसे हम ऐसे बुन देंगे ऐसे अब पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे बुने अब फिर हम यहाँ से फंदा उठाएंगे ऐसे और इसे भी हम ऐसे उल्टा बुन देंगे अब पंद्रह फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह पंद्रह फंदे हमने इसमें उल्टे बुन दिए हैं अब यहाँ से हम फिर ऐसे फंदा उठाए ऐसे उठाया और इसे भी हम ऐसे वो बुन देंगे एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया है और अब ये चार फंदे हम ऐसे उल्टे बुन देंगे उल्टी सलाई हमें पूरी उल्टी बुननी है यहाँ से हम इसे पूरा उल्टा बुनेंगे ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे फोर्टी सेवन फंदे हो गए हैं और हमने उल्टी सिलाई डाल ली अब इसमें हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। अभी पहला फंदा उतारेंगे चार फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार ऐसे हमें पांच फंदों के बाद इसमें हमें फिर से फंदा बढ़ाना है इधर से हम वही मेथाइड यूज़ करेंगे इधर से हम ऐसे फंदा उठाएंगे और ऐसे ऐसे बुन लेंगे अब पंद्रह फंदे हम उल्टी बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह पंद्रह फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं अब यहाँ हम फिर से फंदा उठाएंगे ऐसे और इसे हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे ये फंदा बढ़ गया है हम सात फंदे उल्टे बुनेंगे पहले हमने पांच फंदे उल्टे बुने थे अब हम सात बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः और सात अब यहाँ से हम फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे अब पंद्रह फंदे फिर से हम उल्टी बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह पंद्रह फंदे हमने इसमें उल्टे बुन लिए हैं अब इधर पांच फंदे बचे हैं यहाँ हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे और ये पांच हम उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच अब हम इसमें उल्टी सलाई पूरी उल्टी डालेंगे इधर से इसे पूरा हम ऐसे कंप्लीट करेंगे इसमें फिफ्टी वन फंदे हो गए हैं हमने इसमें दस सलाई डाली है इसमें हैं। 1, 2, 3, 4, पांच लाइन बन गई है एक दो तीन चार पाँच पांच लाइन बन गई है इसमें हमने दस सलाई डाली है और अब ग्यारहवीं सलाई हम इसमें पूरी सीधी डालेंगे पहला फंदा उतारेंगे और ग्यारहवीं सलाई हम ऐसे पूरी सीधी डालेंगे सीधे तरफ से हमने ये एक सलाई पूरी सीधी बना ली है अब हम उल्टे तरफ से इसमें बुनाई की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे पहला फंदा उल्टा बुना फिर एक फंदा सीधा बुना फिर एक फंदा उल्टा बुना फिर एक फंदा सीधा ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है इसमें एक फंदा उल्टा करना है एक फंदा हमें सीधा बुनना है अब हम ये सीधे तरह आ गए हैं इसमें हमने जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे हम उल्टा बुनेंगे ये हम उतार लेंगे जो फंदा हमें ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो हम इसे उल्टा बुन लेंगे और ये फंदा सीधा दिख रहा है तो हम सीधा बुनेंगे लेकिन इसमें नहीं बुनेंगे इसके नीचे जो फंदा है उसमें ऐसे डाल के ऐसे बुन लेंगे ऐसे हमें पूरी सिलाई करनी है उल्टे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और जो सीधा है उसे हम ऐसे नीचे से बुनेंगे नीचे वाले फंदे को ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है ऐसे यहाँ से बुनेंगे ऐसे और फिर ऐसे जिससे कि ये जो फंदा है ये ऐसे उभरा हुआ आ जाए उल्टा फंदा उल्टा बुना सीधे फंदे को हम ये नीचे वाले फंदे में बुनेंगे ऐसे ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है अब हम इसके उल्टी तरफ आ गए हैं उल्टे तरफ भी हमें ऐसे बुनना है जैसे हमने इधर बुना था ये एक फंदा हम उतारेंगे उतार लो या फिर इसे उल्टा बुन लो और ये जो सीधा फंदा है इसे हम ही बुनेंगे जैसे पहले बुना था नीचे वाले फंदे को हम ऐसे बुनेंगे फिर उल्टा फंदा उल्टा बुनना है फिर ये जो सीधा फंदा है इसके नीचे वाले फंदे में हमें बुनना है ऐसे फिर उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे फिर से ये जो सीधा फंदा है इसके नीचे वाले फंदे को हम ऐसे बुनेंगे ऐसे ही हमें इसकी चौदह लाइनें बनानी हैं उल्टे तरफ हो या सीधे तरफ हो हमें दोनों तरफ से सेम बुनाई डालनी है इसमें हमने चौदह सलाई बना ली है, ये सात लाइनें बन गई हैं एक दो तीन चार पंच छः और एक ये सात अब हम यहाँ से उल्टी सलाई डालेंगे एक सलाई हम उल्टी डालेंगे हमने इसमें उल्टी सिलाई डाल ली है अब हम इस सीधी तरफ आ गए हैं अब हम इसमें इक्कीस फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह इक्कीस फंदे हमने ये सीधे बुन लिए हैं अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे नौ फंदे बुनेंगे हम ये दूसरे कलर की ऊन से दो तीन चार पाँच सात, आठ और एक नौ नौ फंदे हमने दूसरे रंग की ऊन से बुने हैं अब हम यहीं से ऐसे वापस हो जाएंगे और इधर भी हम ऐसे सीधा बुनेंगे ये सिलाई भी हम ऐसे पूरी सीधी बुनेंगे ऐसे सीधे बुनेंगे और फिर हम ऐसे ऐसे पलटेंगे इधर से हम दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे इधर से ये क्रीम कलर की ऊन लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसका फंदा एक फंदा हम ऐसे ले लेंगे और इन दो फंदों को हम एक कर देंगे इस साइड का एक फंदा हम घटा देंगे इस क्रीम कलर की ऊन से भी हम सीधा बोलेंगे दो तीन चार पाँच सात आठ और एक ये है नौवा फंदा जब हम ऐसे सीधे तरफ आएंगे तो इधर हमने एक फंदा घटाया है अब हम इधर भी एक फंदा घटाएंगे तो इन दो फंदों को हम ऐसे एक साथ ऐसे बुन देंगे ऐसे अभी दोनों साइड इक्कीस इक्कीस फंदे थे अब दोनों तरफ बीस बीस फंदे हो गए हैं और यहीं से हम ऐसे वापस हो जाएंगे क्रीम कलर की ऊन से अब हम इसे बुनेंगे उल्टे साइड से भी हमें इसे सीधा ही बुनना है नौ फंदे हमने बुन लिए हैं अब हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं धागा पीछे करेंगे अब हम फिर से एक फंदा इसका ऐसे इसमें ले लेंगे और इन दो फंदों को एक साथ बुन देंगे ऐसे अब हम लगाएंगे दूसरे कलर की ऊन ऐसे एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ सॉरी ऐसे नहीं बुनना है आठ फंदे हमने बुन लिए हैं अब ये नौवा फंदा है ऐसे और इधर की एक फंदी को ऐसे हम साथ में बुनेंगे जिससे इधर का भी फंदा घट जाए ऐसी। जिससे कि इसका ऐसा ये घुमाव आ जाए अब हम फिर यहीं से वापस होंगे ऐसा हमें जब तक करना है जब तक कि ऐसी पिंक कलर की पांच लाइनें ना बन जाए से हमें उल्टे तरफ से भी सीधा बुनना है और सीधे तरफ से भी सीधा बुनना है जब हम ये सीधे तरफ आते हैं और ये ऊन बदलते हैं तभी हम फंदा घटा देंगे फिर से हम इसका एक फंदा ऐसे ले लेंगे अब इसमें क्रीम कलर की ऊन लगाएंगे इन दुफों को एक साथ बोल देंगे एक दो तीन चार पाँच छः और इस फंदे को इस फंदे को एक साथ बुनेंगे नौ इससे दोनों तरफ के एक एक फंदे घट जाए ये फंदे हमें जब तक घटाने हैं जब तक कि दोनों साइड बारह बारह फंदे ना रह जाए ये पिंक कलर की पांच लाइनें बन गई हैं और इधर तेरह फंदे बचे हैं अब हम इस एक फंदे को इसमें ऐसे लेंगे और क्रीम कलर की ऊन से इसे घटा देंगे और यहाँ से क्रीम कलर की ऊन लगा लेंगे ऐसे अब इस साइड बारह फंदे बचे हैं अब इसे और इसे हम एक साथ ऐसे बुन देंगे ये फंदा भी हम घटा देंगे बारह फंदे इस साइड बचे हैं और बारह फंदे इस साइड बचे हैं अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे अब हमें सिर्फ ये बीच के नौ फंदे बुनने हैं ये पिंक कलर की ऊन हम हटा देंगे इन्हें हमें सीधा ही सीधा बुनना है इन्हें बीच के नौ फंदे हम सीधे बुनेंगे उल्टी तरफ से इन्हें हम ऐसा उल्टा बुनेंगे और सीधे तरफ से सीधा बुनेंगे ऐसे ही हमें दस सलाई बनानी है उल्टी तरफ से हमने इसमें पूरी उल्टी सलाई डाली है बीच के नौ फंदों में अब यहीं से हम ऐसे वापस हो जाएंगे और सीधे तरफ से ऐसे हम ऐसे सीधा बुनेंगे ऐसे बीच के नौ फंदों में हमें दस सलाई बनानी है ऐसे इसमें हमने ये दस सलाई डाल ली हैं अब हम यहाँ से ये फंदे घटा देंगे दो फंदे को एक करेंगे ऐसे और ऐसे घटा देंगे फिर इसे इसमें कर डालेंगे और इन दो को फिर से ऐसे करके घटा देंगे ऐसे ही हमें ये पूरे नौ फंदे हैं इन्हें घटाना है ये बीच के नौ फंदे हमने ऐसे घटा दिए हैं इन्हें हम ऐसे फोल्ड करके सिल देंगे ऐसे करके यहाँ ऐसे सिलाई लगा देंगे ऐसे हमने घटा दिया है अब इधर से हम दो फंदे उठाएंगे और ये दूसरी ऊन लगाएंगे ऐसे एक फंदा और एक ये दूसरा फंदा ऐसे हमने यहाँ ये गैप था तो दो फंदे उठा लिए हैं अब ये चौदह फंदे हो गए हैं साइड ऐसे ना हम सीधा बोल लेंगे अब ये फंदे हम निकाल के ऐसे राउंड शेप में इसी में कर लेंगे ऐसे हमने इसमें ऐसे भर लिए हैं इस साइड थी सलाई अब हमने इसको इस साइड कर लिया है ऐसे अब ऐसे हम इन्हें राउंड शेप में ऐसे बुन देंगे इन्हें भी ऐसे सीधा करके ऐसे जिससे ये पीछे से सारे फंदे ऐसे बंद हो जाएं इन्हें अभी हम ऐसे सीधा बुनेंगे उसमें हमने दो फंदे उठाए थे तो इधर भी हम दो फंदे उठाएंगे एक चौदह चौदह पीछे अट्ठाइस फंदे हो गए हैं अब ऐसे ही हम जैसे इधर हमने दस सलाई ये सीधे तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी बनाई थी ऐसे ही दस सलाई अब हम इसमें भी बनाएंगे उल्टी तरफ से उल्टी और सीधे तरफ से सीधी ऐसे ही हम ये सारे फंदे घटा देंगे ये फंदे हमने घटा दिए हैं अब हम इस पर ऐसे 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 उल्टा करेंगे और इसमें ऐसे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे ऐसे तो हम ऐसे सिलेंगे ऐसे करके ये आगे का पार्ट सिल गया है ऐसे ही हम ये पीछे वाला पार्ट भी सिलेंगे ऐसे करके अभी ये ऊपर का पार्ट सिला है अब हम इसे ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ तक इसमें हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक हमने इसे सीधा सिल लिया है अब इधर हम इसमें गुलाई देंगे ऐसे जिससे कि आगे गुलाई आ जाए ऐसे करके ये सूज सिल गया है इसे अब हम ऐसे सीधा कर लेंगे ये सूज बन गया है अब इस जैसे इसमें ये डोरी डली है वैसे इसमें भी डालेंगे इसे हमने क्रूचिए से बनाया है हमने ये डोरी बना ली है अब इसमें ऐसे पिन की मदद से ऐसे इसमें डाल देंगे इधर की इधर और इधर के ऐसा ऐसे हमने इसमें ये डोरी डाल दी है अब इसके दोनों साइड हमें ऐसे पमपम लगा देंगे इसमें हमने ये पम पम लगा दिए हैं इसे ऐसे हम ऐसे बांध देंगे हमारा सूज बन गया है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू